लाइफ आवर फादर। इसी भाव को दर्शाने के लिए हमारे स्टूडेंट्स ने एक प्ले तैयार किया है जिसका टाइटल है आधुनिक श्रवण कुमार। This play has been prepared by the due hard work and dedication of our students. The play has been directed by Abhishek Sharma. So I would like to invite the students on the stage, Rajat Chaudhary, Mahesh, Yamini, Pratibha, Nupur, Aparna and Faru. So aao sune Aadhunik Shravan Kumar ki kahani. Yaar jaldi la do na, late ho raha hu. ये जो तुम्हारा बैग, इसमें तुम्हारी सारी जरूरत की चीजें और तुम्हारी जैकेट भी है। अच्छा सुनो, मेरा वो वॉलेट ढूंढ दो। बेटा तुम ही ने रखा होगा, तुम्हारे ही रूम में होगा ना वॉलेट। यार ढूंढ दो ना आप, एक तो मैं लेट हो रहा हूँ, ऊपर से आपकी बातें खत्म नहीं होती। कहाँ रखा होगा इस लड़के ने वॉलेट? ये लो तुम्हारा वॉलेट। और मॉम वो मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। पैसे? किताबें खरीदनी है। बेटा तुमने पिछले महीने ही तो किताबें खरीदी ना। पढ़ाई मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है कब क्या खरीदना है। आप पैसे दे रहे हैं या नहीं? अच्छा गुस्सा मत करो, मैं लेके आती हूँ पैसे। हाँ हेलो। हाँ यार बस निकल रहा हूँ अभी घर से। फाइन, अब किस चीज का यार। चल कोई ना, देखता हूँ यार। पांच सौ रुपए ये भीख दे रहे हो आप मुझे? ये भी आप अपने पास ही रखो, नहीं चाहिए आपके पैसे, अपने दोस्तों से ले लूंगा मैं। बेटा तुम्हें पता है ना घर के हालातों का भी। ये घर के हालातों का रोना फिर से मेरे सामने मत कर देना शुरू। अच्छा तुम इतने पैसे पे रखो, मैं तुम्हें अगले महीने और भिजवा दूंगी। ठीक है ठीक है। अच्छा बेटा सुनो, अब क्या है? मुझे जरा मंदिर तक छोड़ दो। आप खुद नहीं जा सकते? शर्म आती है मुझे अपनी बाइक पे बिठाते हुए आपको। बिना मतलब के डांटते थे, सुबह सोने भी नहीं देते थे। मेरा तो मन कर रहा था कि घर से कहीं भाग ही जाऊं। लिसन गाइस लिसन, पता इस बार मैं बहुत सारे पैसे लेके आई हूँ। यार पहले कौन सी मुश्किल बात है ये? इसमें मुश्किल क्या है, थोड़ी सी आंसू बहाने, डैड के सामने मासूम की शक्ल बनानी है और पैसे हाजिर। मजे यार इसके बिना। अरे ये सब छोड़ो यार, प्रोजेक्ट किया किसी ने? तेने किया प्रोजेक्ट? हां मैंने भी किया। अब तू मत बोल दे तेने किया किया। यार ओ यार क्या है ये, कोई मुर्ख बताया तो देता प्रोजेक्ट के बारे में, मुर्ख तो पता ही नहीं था। अब मैं दोबारा मुर्ख बनाएगी यार। हाँ तेरा तेरी भी, तेरे को पता है ना तेरे ऐसे होता है, तुमसे काम करके आया मैं। यार बस मैम को तो सिर्फ बहाने चाहिए होता है। अच्छा यार मैम आने वाले हो जाएगा, देखा जाएगा। मैम आ गई। कितनी बार समझाऊं, पेरेंट्स हमारे भगवान होते हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन तुम लोग? मैम आज तो पहला दिन है, आज तो लेक्चर मत दीजिए। ठीक है मिस्टर रणवीर, आज तुम लेक्चर दे दो, मैं क्लास से वापस चली जाती हूँ। छोड़ो ये सब, चलो अटेंडेंस लो। आयुष प्रेजेंट मैम। रणवीर उपस्थित हूँ मैम। पाखी रॉकिंग मैम। पारस हियर मैम। वैसे इस बार तुम सब लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज? मैम ट्रिपले के जा रहे हो क्या? मैम मूवी दिखाओगे? कोई मूवी नहीं देखनी है। इस बार हमारा इंस्टीट्यूट एनुअल फंक्शन पर एक प्ले ऑर्गेनाइज करने वाला है। प्ले? बोरिंग।
और जो ग्रेवी बांटेगा उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लगेंगी। साइलेंस। तो मैंने प्रोजेक्ट दिया था एक, सबने किया है? यस मैम। रणबीर कहाँ जा रहे हो तुम? तुमने इस बार फिर से प्ले नहीं किया? नो मैम। तुम्हें कितनी बार कहा है जब तुम्हें काम दिया जाए तो उसे पूरा करना चाहिए, लेकिन तुमने फिर से प्रोजेक्ट नहीं किया। सॉरी। आज छुट्टी के बाद पहला दिन है इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन दोबारा ये नहीं सहम होगा। बैठो अपनी सीट पर। अच्छा, अब हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मोशन इन वन डायमेंशन। चलो अपनी बुक्स खोलो। हमारा फर्स्ट चैप्टर है मोशन इन वन डायमेंशन। इसे हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से। अच्छा तुम लोग बताओ, बाकी कैसा इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है? v इक्वल टू v इक्वल टू। बाकी तुम्हें मालूम है ना पिछली बार कितनी मुश्किल से पास हुई हो, और अगर ऐसा ही रहा तो तुम्हारा इस बार का रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। जब क्लास में बैठती हो तो कंसंट्रेशन के साथ क्यों नहीं बैठती? रो क्यों नहीं हो तुम? मैं वो मेरे से नहीं पढ़े जाता, मेरे सर में बहुत दर्द होता है। देखो पाखी, अगर ऐसी बात है तो तुम आज से एक्स्ट्रा क्लासेस लगाओगी और मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊंगी, ठीक है? बैठो। दिखाओ एक्स्ट्रा क्लास। ये हम अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट इक्वेशन है b इज इक्वल टू u प्लस a। यहाँ पर v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t है। क्या हो रहा है? तुम क्लास में फोन लेके आए हो? नो मैम। ये हाथ में क्या है? रणबीर तुम्हें कितनी बार कहा है कि क्लास में फोन अलाउड नहीं है? मैम वो एक्चुअली मैम वो मेरे मम्मी बीमार है तो उन्होंने बोला था कि फोन ऑन रखिए, मैं फोन करूँ। तुम्हारे मम्मी बीमार है? यस मैम। हॉस्पिटल में होंगे जरूर? यस मैम। अच्छा तो लाओ मैं बात कर लेती हूँ। लाओ मैम। वो मैम वो थोड़ी देर पहले सो गया, उन्होंने बोला। रणबीर हद होती है, कितनी बार तुम्हें कहा है कि क्लास में फोन अलाउड नहीं है तो नहीं है, और अगर ऐसी कोई बात होती है तो तुम पहले इन्फॉर्म नहीं कर सकते? सॉरी मैम। ये फिर से बर्दाश्त नहीं होगा रणबीर, इस बार तो मैं माफ कर दी हूँ लेकिन बाद में ये नहीं करूंगी। बैठो। देखो अभी क्लास का टाइम हो गया है, सेकंड इक्वेशन हम कल करेंगे, लेकिन अभी नेक्स्ट क्लास में तुम्हारे ड्रामा इंस्ट्रक्टर आने वाले हैं, वो तुम्हें बताएंगे डे के बारे में, और जिस किसी ने पार्ट देना है वो प्लीज अपने नाम उनके पास सबमिट करवा देना। ओके थैंक यू मैम। आपको इन्फॉर्म कर दिया है कि हम इस बार प्ले करने जा रहे हैं, तो हमें से कौन कौन इंटरेस्टेड है? मैं तो रोज शीशे के सामने एक्टिंग करती हूँ, करके दिखाऊं? हम लोग श्रवण कुमार पे प्ले करने जा रहे हैं। श्रवण कुमार? वैसे भी हमारी रिहर्सल कल से स्टार्ट हो रही है तो आप कल तक श्रवण कुमार के बारे में सर्च करके लाना। ओके थैंक यू। क्लास इज ओवर। मेरे सिर में बहुत दर्द रहता है तो पढ़ाई नहीं होती, अब तू फंस गई है फिर तो एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने के लिए। चुप रह, थप्पड़ पड़ जाएगा। हे गाइस ये सब छोड़ो, आप पार्टी करके हैं, कंटिन्यूशन करो। करते हैं, चल पकड़ मेरे, बंद कर।
मेरे ही 500। और तू नौटंकी राम पैसे निकाल। चलिए ले मेरे 20 रुपए। यार हद है ना तेरी भी, तेरे घर वाले देखो पैसे नहीं देते क्या? नहीं देते यार, तो मैं क्या करूँ, घर के हालात ही ऐसे है। यार घर के हालात की तू क्या चिंता करता है, मांग ली अगर पैसे, अभी एंजॉय नहीं करेगा तो कब करेगा? मांगा कर यार। हाँ यार, मम्मा पापा किसके हैं? हमारे। हम किसके हैं? मम्मा पापा के। तो उनके पैसे किसके हुए यार? हमारे। अब ऐसे नहीं करेगा तो कब करेगा, मांग लिया कर यार। बात तो तुम लोग ठीक कर रहे यार। चलिए ले मेरे 200 रुपए। हाँ अब कहाँ से मेरे पैसे निकल रहे हैं, अच्छी नौटंकी मारता है, चलो तो। मिल गई मुझे उसकी फोटो, ये देख ये देख, अक्षय कुमार है यार ये। अक्षय कुमार मुझे ये ढूंढना, दिमाग खराब हो गया मेरा। हे गाइस मेरे को कुछ मिला है, ये शांतनु और ज्ञानवति का बेटा है। अब ये दो कौन है, इनके बारे में भी सर्च करना पड़ेगा। आते हैं यार। तो आप लोगों ने अपना काम किया? मैम शायद ये शांतनु और ज्ञानवति के बेटे हैं। हाँ कुछ ऐसा ही है, कुछ और कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए स्क्रिप्ट लाई हूँ, इसमें श्रवण की सारी हिस्ट्री है, तो हमारी रिहर्सल जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो आपको डायलॉग्स याद करने होंगे। ओके तो पहले मैं आपको अपने कैरेक्टर्स बता देती हूँ। पारुल तुम नरेटर बन रही हो, अंश तुम श्रवण कुमार, तुम श्रवण के अंधे पिता और तुम श्रवण की अंधी माता। पारुल तुम ये स्क्रिप्ट सबमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, हम जल्दी रिहर्सल स्टार्ट कर रहे हैं। ओके हेलो हेलो मोम, पैसे भेज दिए, पैसे यार क्यों करो ना तुम लोग, क्या शोर मचा के रखे हैं। हेलो मोम, वो पैसे भेज दिए आपने? क्या मतलब नहीं भेजे, आपको पता है कितनी प्रॉब्लम में हूं मैं यहाँ पे, पीजी का रेंट भी नहीं दिया है मैंने, बाहर निकाल देंगे वो मुझे पीजी से। पर हाँ हाँ आपको क्या फर्क पड़ता है, मैं यहाँ जी हूं या मरू, तो घर के हालात वैसे हैं तो क्यों भेजा मुझे यहाँ पढ़ने के लिए, बिठा लेते घर पे ही। बस बस मुझे और कुछ भी नहीं सुनना है, मुझे कल पैसे चाहिए तो चाहिए, बाय। अरे यार दिमाग खराब हो गया, मुझे नहीं बनना, दिमाग खराब हो गया मेरा। जी यार तू हमेशा रोती रहती है, तेरे नहीं करना तो जाके एक्स्ट्रा क्लासेस निकाली, मैं तो करूंगा। हे गाइस प्लीज तुम लोग शोर कम मचाओ ना, मुझे भी डायलॉग याद करने दो, ऊपर से हिंदी। मैम वो मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा था, यही होगी ये प्रैक्टिस कर रहे हो तुम यहाँ पे, मजाक बना के रखा तुम लोगों ने, मजाक लगता है तुमको ये प्ले, तुम्हें पता है कि हम क्यों कर रहे थे, आजकल के बच्चों के हालात देखते हुए, और तुम लोग ये कर रहे हो। फरश तुम श्रवण कुमार बन रहे हो ना, तुम लायक नहीं हो इसके, तुम तो क्या, तुम्हें से कोई भी इसके लायक नहीं है, स्मार्ट समझते हो अपने आप को, बेवकूफ बना सकते हो अपने पेरेंट्स को, बेवकूफ है बोलो, उन्हें कुछ पता नहीं चलता क्या, वो तुम्हारी कितनी ही गलतियों को हंसते हंसते माफ कर देते हैं, और तुम लोग और बाकी तुम नीट पेट पे ज्यादा ध्यान रहता है ना तुम्हारा, अपनी मम्मा का ध्यान रखा कभी ऐसे, पूछा है उनसे कभी कि हमसे नीट क्यों सोते हो, पूछा है कभी क्योंकि फिक्र करते हैं वो तुम्हारी, और तुम लोग अपनी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे याद है 23 जुलाई और मम्मा का आई थिंक
मम्मा का बर्थडे क्यों याद है? उनसे हमें क्या मतलब है? उनकी चिंता हम क्यों करें? तुम लोग कभी तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें फोन करके बोला हम बीमार हैं? कभी अपनी प्रॉब्लम शेयर की उन्होंने तुमसे? वो तुम्हारे लिए कितना करते हैं? और तुम लोग, क्या तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता? तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ बाजार जाने में शर्म आती है, बार्गेनिंग करने में शर्म आती है, और यहाँ तुम लोग ये कर रहे हो। और रणवीर तुम्हें क्या बोलूं? तुम्हें तो बोलना ही बेकार है ना। जाओ यहाँ से और अपने क्लास टीचर को बता दो हम कोई प्ले नहीं कर रहे। सॉरी मैम। सॉरी बोलने से क्या होगा? ये प्ले किसके लिए कर रहे थे? अपने लिए या अपने पेरेंट्स के लिए? करना है तो अपने पेरेंट्स के लिए करो, समझे? और जाओ यहाँ से अब। क्या कम है? अरे ऐसा पुत्र तो बड़े सौभाग्य के बाद प्राप्त होता है। शवन, शवन, ये शवन कहाँ चला गया? लगता है उसे तुम्हारी बात का बुरा लग गया है। शवन ऐसा नहीं है, वो मेरी बात को कभी बुरा नहीं मानता। शवन, शवन बेटा, शवन, शवन पुत्र, शवन, शवन बेटा, शवन पुत्र, शवन, शवन शवन बेटा, शवन, शवन, शवन पुत्र, शवन बेटा, शवन, 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 शवन,
पिताजी चलिए। पुत्र कहाँ? तीर्थ यात्रा। परंतु कैसे? उस सब का प्रबंध मैंने कर लिया है। परंतु पुत्र, तीर्थ यात्रा में तो तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना होगा। कई मील पैदल चलना होगा, वो भी नंगे पांव, और यात्रा के लिए तो धन की भी आवश्यकता होती है, परंतु हमारे पास तो वो भी नहीं है। पिताजी, यात्रा के लिए धन की नहीं, सच्चे मन की आवश्यकता होती है, और एक पुत्र होने के नाते मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। आइए चलिए। कांधे पे कांवर लेकर चला, कांधे पे कांवर लेकर चला, अब क्यों ना करूं मैं गुमा मेरे कांवर के बागना, कांवर के सत्का ये पग है मेरा तीरथ है, रस्ते में अब ना रुकूंगा। सत्का ये पग है मेरा तीरथ है, रस्ते में अब ना रुकूंगा। माँ बाप का बार कलियों से हल्का, इस बार से ना झुकूंगा। माँ बाप का कलियों से हल्का, इस बार से ना झुकूंगा। सर को उठाए आगे बढ़ूंगा, सर को उठाए आगे बढ़ूंगा, आंधी हो या तूफान मेरे कांवर के बागवान, मेरे कांवर के बागवान, मेरे कांवर के बागवान, मेरे कांवर के बागवान। माता पिता के कांधे पे था कभी बचपन ये मेरा झूला, आज वो झूले कांधे पे मेरे तन मन है मेरा भूला। आज वो झूले कांधे पे मेरे तन मन है मेरा भूला, आशाएं उनकी पूर्ण करूंगा, आशाएं उनकी पूर्ण करूंगा, प्राणों में जब तक है प्राण मेरे कांवर के बागवान। गला बहुत सूखा जा रहा है,
थोड़ा पानी मिल जाता तो। पिताजी यही नजदीक सरयू नदी का किनारा है, मैं वहीं से जल लेके आता हूँ। तब तक आप इस वृक्ष के नीचे विश्राम कीजिए। आइए। बैठिए पिताजी। आप प्रतीक्षा कीजिए। भक्ति है माँ भक्ति, लेकिन जंगल ये धारा है, स्वर्ग से भी बढ़कर ये सरयू का किनारा है। अगर माँ पिता तीर्थ जाने की इच्छा जाहिर ना करते तो मैं प्रकृति के मनोहर दृश्यों का आनंद कहाँ ले पाता। जो मनुष्य माँ पिता की सेवा नहीं करते, उनका आदर नहीं करते, वो चाहे जितने पूजा पाठ कर ले, भगवान की प्रार्थना कभी स्वीकार नहीं करते। बहुत समय हो गया, श्रवण अभी तक नहीं आया। अरे चिंता मत करो, आ जाएगा। वैसे भी भगवान की कृपा से हमें बहुत अच्छे पुत्र की प्राप्ति हुई है। हम जिंदे हैं, परंतु फिर भी वो हमें इस चीज का एहसास नहीं होने देता। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो ऐसा पुत्र सबको दे। परंतु मुझे चिंता हो रही है, कहीं श्रवण किसी विपत्ति में तो नहीं। अरे शुभ शुभ बोलो, आ जाएगा। माता पिता के प्रति सेवा भावना।